हमारे बुज़ुर्गों को हमारे बच्चों का साथ चाहिए होता है ताकि उन्हें एक नई ज़िंदगी मिल जाए, और हमारे बच्चों को हमारे बुज़ुर्गों का साथ चाहिए होता है ताकि उन्हें एक अच्छी सी पेरेंटिंग मिल जाए। हेलो नमस्ते, मैं एक अच्छी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? मेरे इस ब्लॉग में आप सबका पूरी तरह से पूरे दिल से स्वागत है। तो आज की इस ब्लॉग में क्लिप्स तो पुराने हैं लेकिन आपके लिए बहुत सारी नई बातें हैं, और साथ ही साथ आपको मैं लेके चलने वाली हूँ हैदराबाद के चिरकुर बालाजी मंदिर के दर्शन कराने। चिरकुर बालाजी मंदिर से जुड़े बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, 108 फेरे क्यों लिए जाते हैं, कितना समय लगता है, कब दर्शन होते हैं, सारी बातें। है गंदा है, मत खाना। हाँ ये बाबा दादी है, ओके उसको रख दो वहाँ। पर उस फोटो में तुम नहीं हो। मैं टमी पे हूँ। किसके टमी में? अनिकेत भैया के टमी में हो? नहीं। तो मम्मा टमी पे हो। मम्मा के टमी में हो तुम? हैप्पी बर्थडे। ओ बड़ा बेबी हो तुम कि छोटा बेबी? छोटा बेबी। तुम छोटा बेबी हो टमी में? ओ कितना छोटा, कितना छोटा, इतना छोटा बेबी थी तुम टमी में, फिर इतनी बड़ी कैसे हो गई, इतनी बिग हो गई तुम? अब मेरे टमी बहुत बिग है और इसलिए मेरे हाइट बहुत बिग है। हाइट बिग हो गई है तुम्हारी? लेकिन तुम हमको स्कूल नहीं ले गई, बहुत रो रही थी भाव, पता है? ओ माय गॉड मेरे लिए? इट्स माय। अच्छा नो, दिस इज फॉर मम्मा। तो ये सारी क्लिप्स हैदराबाद की है और ये मेरी दीदी की बेटी है जिससे मेरा अलग ही कनेक्शन है। एक्चुअली बच्चों का कनेक्शन बनाना बहुत आसान होता है, बच्चों को जो टाइम देते हैं जो भी लोग, बच्चे उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं, और मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, उनसे बातें करना, इससे मैं घंटों बातें कर सकती हूँ। तो अभी रचित और अनायरा जो हैं अपना भाई बहन वाला प्यार एक दूसरे पर लुटा रहे हैं, जो थोड़ी देर ही लुटता है उसके बाद तो दोनों ही लड़ाई पीट करके लुट जाते हैं, जो कि नेचुरल है। जब भाई बहन साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, बट उसके पीछे भी एक प्यार छुपा होता है, और यही बचपन की यादें हैं जो बड़े होके ये याद करेंगे कि हम कैसे बचपन में साथ में खाया करते थे, एक साथ खा के बातें करते थे, गेम्स के बारे में बातें कर रहे थे ये लोग। और इन लोगों के टॉक जो होते हैं ना अब एकदम अलग ही होते हैं, मतलब हम लोग के समझ से बाहर होते हैं। नाना ये देख के डर गए, नाना को लगा स्नेक है। नहीं। तुम भी तो डर गई थी। नहीं। गिप्स का है। अच्छा। गिप्स का है। गिप्स। हाय भाई। हेलो। पीछे हटो रचित। रचित पीछे हटो बेटा। भाव अनिकेत रचित। नहीं दिख रहा हो तुम रचित, और पीछे जाओ, पीछे लाइट है। हाँ आप दिख रहे हो तीनों लोग। सबसे ज्यादा ट्रैफिक, सारा ट्रैफिक यहीं पर है। ये क्या कर रहे हो? हमेशा गुस्सा क्यों रहते हैं? थोड़ा हंस भी दो। क्या कर रहे हो? कौन है गुस्से में हमेशा? बोल देते थ्री भी है विथ माई सीजन थ्री। हाय पापा, सीजन थ्री को वो देख रहे होते हैं। आई लव क्या है मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स, और ये भी ड्रीम ही है पापा। ये सब चीज मौका थोड़ी ना दोबारा मिले। सबसे पहले यहाँ सिर्फ इनऑर्बिट मॉल था,
तो रात में हम लोग निकले थे पहले ही ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे पूरी सिटी देखने, और हैदराबाद सिटी को देख कर लग रहा था हम किसी और ही कंट्री में आ गए हैं, इतनी डेवलप सिटी है। और रात में लॉन्ग ड्राइव पे विथ फैमिली जाने का मज़ा ही कुछ और है, ये भी एक अलग मेमोरी बनती है। और यहाँ पर एक ये ब्रिज है वो बहुत ही अच्छा था, और हम लोग ना रास्ते पर यही सब बातें कर रहे थे कि ये सब टाइम बार बार नहीं मिलता है, तो हमेशा ये होता है कि जब लोग हम लोग इकट्ठा हो ना तो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि जॉब वाले जो लोग होते हैं उन लोग के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। हो गया जय है, जय है हो गया, जय हिंद, जय हिंद नहीं किया अभी। अच्छा हो गया, जय हिंद हो गया, शांति शांति। अरे वेरी गुड जॉब, दे रहे दे रहे, लगाओ ये रचना भी बनाने से क्या है, छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है। दिखाओ दिखाओ जरा कैसी लग रही है। अल्लाह क्या किया तुमने, हो गया ना, लग गया, हो गई, तुम तो ब्यूटीफुल हो गए नायरा। दीदी मम्मी हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, पीछे वाले बच्चा पार्टी, ओ अनिकेत, अनायरा हाय बोलो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे चिरकुर बालाजी मंदिर, तो आइए हमारे साथ घूमिए, हमारी ट्रिप में एंजॉय करिए। ओके अनिकेत, क्यों नहीं तुम अपना असिस्टेंट बना लेते हो, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए चिरकुर बालाजी मंदिर। घर से यहाँ मंदिर पहुँचने में हमें लगे ऑलमोस्ट एक घंटे, बट साथ में रह करके उस टाइम का पता ही नहीं चला। मंदिर के बाहर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे बच्चों के लिए, घर गृहस्थी के सामान के लिए, लोहे के सामान, पत्थर के सामान, हर्बल चीज़ें थी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरह के लोकल शॉप्स जो होते हैं ना वो बच्चों के लिए भी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर और भी यूज़फुल चीज़ें, हर चीज़ नॉर्मल रेंज में, और नॉर्मल रेंज में भी बार्गेनिंग करने का मौका मिल रहा था। लेकिन फर्स्ट टारगेट हम लोगों का था कि दर्शन कर लें। तो मंदिर में दर्शन का टाइम सुबह में होता है 6 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक, और इसके बाद शाम को होता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो इसलिए हम लोग शाम को निकले। चढ़ावे का सामान सेट बना करके वहाँ पर मिल रहा था, हमने चढ़ावे का सामान खरीदा क्योंकि हम वहाँ पहली बार गए थे। मेरे दीदी जिया जी अक्सर वहाँ जाते हैं, कोई भी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी हो जाने पर वहाँ पर परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ परिक्रमा के पीछे की भी मन्नत है, 108 परिक्रमा की लोग मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पे 108 परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि 108 परिक्रमा पूरे मंदिर का करने में 3 घंटे लग जाते हैं, पर इतने ज़्यादा लोग एक साथ परिक्रमा करते हैं ना कि वो 3 घंटे पता ही नहीं चलते हैं, और सब जय जयकार करते हुए परिक्रमा करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कोई भी ड्रेस कोड नहीं है मंदिर में परिक्रमा करने का, इसलिए सब एक जैसे, सब एक ही बराबर के लोग रखते हैं जब परिक्रमा करते हैं। तो मैंने पहले सोचा सारा थोड़ा बाहर के सामान की रिकॉर्डिंग कर लूँ और लिस्ट बनाना था, फिर लगा नहीं फ्लाइट से मुझे यहाँ से जाना तो मैं लेके कैसे जाऊँगी, तो सिर्फ नैन सुख करके काम चला लेती हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी सी चीज़ें। इसके बाद खैर मंदिर में दर्शन करने में समय नहीं लगता है, आप बस पहुँच जाओ और आपको लाइन में लगना होता है, लाइन में आप कब धक्का खाते खाते दर्शन करने पहुंच जाते हो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मम्मी पापा मेरे ओल्ड एज के हैं, मम्मी के दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ है, तो हम लोगों को गाड़ी अंदर ले जाने का मौका मिल गया, ऐसे लोगों को वो लोग गाड़ी अंदर ले जाने देते हैं।
भी पहली बार गए थे तो हमने 11 परिक्रमा लगाया, गोविंदा गोविंदा कह करके, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम बाहर जब निकलने लगे तो असली मार्केट हमें दिखा। बैक में ज़्यादा अच्छे मार्केट हैं, ज़्यादा अच्छे इन द सेंस कि बस सबको पता है ना कि जब मंदिर में घुसते हैं तो उस समय इन सामान पे नज़र नहीं पड़ती, तो ऐसे सामान जो लेडीज़ से जुड़े आइटम्स हैं उसकी मार्केट जो है मंदिर के पीछे है। निकलते समय चूड़ियाँ हैं, ईयर रिंग्स हैं, हेयर बैंड हैं, क्लचर हैं, रबड़ बैंड हैं और सेट्स हैं और खाने पीने के सामान हैं। मैंने आम पापड़ ख़रीदा, ये मीठा वाला जो आम पापड़ होता है वो ख़रीदा, और जेली ख़रीदी जो बचपन में हम खाते थे ना, वो बहुत सारी बचपन की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी वो ख़रीदा। और जब ये सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ खरीद लिए तो फिर गर्मी बहुत थी, हमने जूस पिया वहाँ। लेकिन उसी समय हमें दिख गया ईयर रिंग्स का मार्केट, और मेरे दीदी के बेटे ने पहले ही बोला था कि आप ना आँख बंद करके उधर से निकलिएगा, नहीं तो आप पक्का वहाँ पे रुक जाइएगा। और वही हुआ, दीदी रुकी तो मैं भी वहाँ पे रुक गई और देखा 20-20 रुपए के ईयर रिंग्स मिल रहे थे। आप ऑनलाइन कितना भी सर्च कर लो ना, आपको इतने सस्ते में ईयर रिंग्स मिलेंगे ही नहीं। 20-20 रुपया हर माल ईयर रिंग्स, हर कलर के, हर डिज़ाइन के। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फिलहाल ये पत्थर के सामान है और ये 100 रुपये का ये खलकुटना था, तवा मिल रहा था लोहा का। तो मैंने ये सोचा कि हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं तो बेसिकली ये लोग यहीं से प्रोडक्ट्स उठाते होंगे और ऑनलाइन इसको कॉस्टली करके बेचते होंगे, यहाँ तो बार्गेनिंग करने का भी अच्छा मौका था। और फाइनली हम ईयर रिंग्स की शॉप पे पहुँच गए। इतना ज़्यादा ईयर रिंग्स का कलेक्शन था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना है। फिर माइंड में एक टारगेट बनाया कि कोई अभी अगर नई कुर्ती ली है, कौन से कलर की कुर्ती ली है, बस वो ले लेते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने 2 ईयर रिंग्स ली, एक मल्टी कलर की ली और एक ग्रीन कलर की। अभी मुझे बर्थडे में मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, सी ग्रीन कलर का वो ईयर रिंग्स लिया और 20-20 रुपये में मिल गया। मैं जब पहनूंगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके बाद हमने नींबू पानी वाला जूस पिया अनायरा के साथ, मेरा फेवरेट टाइम पास, मेरे जिया जी। हम लोगों ने वहाँ पर फिर जामुन खरीद। बाहर से चिरकुल बालाजी मंदिर का, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, मंदिर के अंदर दर्शन जब करने गए थे, और जब परिक्रमा करके बैठे तो अलाउड था, तो मैंने परिक्रमा की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाई। इसके बाद रचित अपनी बहन को लेके थोड़ा ज़्यादा ही केयरिंग हो गया कि मार्केट है कहीं इधर उधर ना चली जाए, और थोड़ा उसने बड़े साइज़ का जूता पहना था नायरा ने, तो रचित उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा था। ये मुझे इतना अच्छा लगा ना दोनों का, मुझे इस चीज़ का बड़ा होता है कि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 बहन हैं, तो बड़ा कभी कभी भाई की कमी बड़ी महसूस होती है। कितना भी जैसे हम लोग बचपन से पापा को राखी बांध दिया करते थे, बट वो वाली फीलिंग आ ही जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी रचित को वो बहन वाली चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए कि बहन के साथ कैसा लगता है, भले लड़ो झगड़ो सब करो बट साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए छुट्टियाँ मिलती कोशिश होती कि ये सब बच्चे आपस में मिल लें। फिर बाहर ना ये ड्रीम कैचर मिल रहा था, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की। हैंडल वाला कढ़ाई बहुत अच्छा लगा, 2 हैंडल तो सब में होता है, ये जो एक हैंडल वाली कढ़ाई है ना, इसमें चाइनीज़ बहुत अच्छा बनता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि ऑनलाइन इसको देखूंगी, लेकिन बर्तन का लालच कभी ख़त्म ही नहीं होता, और शिफ्टिंग वाली जॉब में ना इतना सामान शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा तीनों लोग गाओ ना साथ में, वो नहीं गाने लगे। फाइनली मस्ती धूम करके, चिल्लम चिल्ली करके, बच्चों को शांत करके, बच्चों को इंगेज करके, हम 7 बजे के अराउंड घर पहुंच गए। और दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा। आपको ब्लॉग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।